अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अहमद है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम OSPF से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हम लैब यूज़ कर रहे हैं, ये वही लैब है जो हमने रिग के लिए यूज़ की थी, यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के लिए। बस हम इसको नए से अब OSPF इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। तो OSPF स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि इसमें कुछ नई चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपको ब्रीफली देखने के लिए आपको लाजमी वीडियोस देखना पड़ेंगी, बुक्स में देखना पड़ेगा, या आपको नेट से हंटिंग करना पड़ेगी, गूगल करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ से जस्ट थोड़ा सा टच दे रहा हूँ उन चीज़ों का कि किन से हमारा नया चीज़ों से पाला पड़ेगा। तो वो हैं, देखिए आप, OSPF यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसमें जो पहली चीज़ है हमें पाला पड़ेगा वो है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड सेम उसी तरह जिस तरह हम सबनेट मास्क यूज़ करते हैं, और ये 32 बिट्स का ही है, और ये भी एक मास्क है जो सबनेट मास्क की जगह पे यूज़ होगा। तो सिस्को ISO में ये दो जगह पे यूज़ होता है, एक तो OSPF में यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में, और दूसरा ACL में यानी एसेस कंट्रोल लिस्ट में, जो ये बताएगा कि ये किन चीज़ों को ये वाइल्ड कार्ड जो है असेस दे सकता है, यानी किन को परमिट देगा और किन को डिनाई करेगा। खैर, ये आप खुद से देखिएगा थ्योरी में। तो हम जस्ट यहाँ पे इसको टच दे रहे हैं कि किन चीज़ों से हमारा नया देखना पड़ेगा या फेस करना पड़ेगा। तो वाइल्ड कार्ड मास्क जो है, ये बहुत सिंपल है इसको बनाना। ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप यूज़ करें सी क्लास का सबनेट मास्क यानी 255.255.255.0, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो निकालना इंतहाई आसान है। जस्ट आपको इसको रिवर्स कर देना है, यानी 0.0.0.255। तो लीजिए, ये इसका वाइल्ड कार्ड मास्क आ गया है। ये इसी तरह सी क्लास का, ए क्लास का, बी क्लास का, ये सेम यही प्रोसीजर है। और इसी तरह बिट्स में अगर आपने सब नेटिंग की है तो वो भी इसी तरह ही होगा। तो बस उसको रिवर्स कर देंगे तो आपके पास वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा। उसके बाद जो चीज़ है हमें देखने को मिलेगी वो होगा OSPF एरिया, यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का एरिया होगा। ये एक लॉजिकल कलेक्शन है इसमें OSPF में। ये आपको नेटवर्क्स में, राउटर्स में, और इसी तरह राउटर्स के लिंक्स में देखना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा इसको। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए लाजमी। इसके लिए आपको लाजमी गूगल करना पड़ेगा या आपको वीडियोस देखना पड़ेंगी। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका एक वीडियो क्रिएट करके अपलोड कर दूंगा और आप उसमें से देख सकते हैं। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही कि मैं आप लोगों को इससे टच दे रहा हूँ। तो OSPF एरिया, तो ये एक, यानी अगर आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास बहुत बड़ा कोई नेटवर्क है तो उसमें आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं एरियाज में, तो आप उसको एरियाज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एरिया दे सकते हैं उसका OSPF का। और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये आपको देखना पड़ेगा उसको। खैर, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो उसमें डिटेल में जाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो इससे आपको एक नया पाला पड़ेगा इसमें OSPF में एरिया से। और ये एरिया जो है, ये आप किस तरह क्रिएट करेंगे वो भी हम देखेंगे अपनी लैब में। तो उसके बाद जो हमें फेस करना पड़ेगा वो होगा प्रोसेस ID, यानी चलें ये तो हम लैब में ही देख लेंगे, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये आप पूछ भी दे सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि हमें किन चीज़ों से नई नई चीज़ों से फेस करना पड़ेगा। तो चलिए लैब में चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी लैब को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ Router 1 पे, यहाँ से CLI मोड में, और अनेबल मोड के लिए अनेबल टाइप करूँगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम कमांड रन करेंगे, शो IP राउट, एंटर करता हूँ। तो देखिए ये दिखा रहा है कि इसमें दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं, एक 10.0.0.0 वाला और दूसरा है 192.168.1.0 वाला, और एक सीरियल 0/0 के साथ है, दूसरा फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ। तो अब हम इनको OSPF के जरिए एडवर्टाइज करेंगे इन नेटवर्क को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना पड़ेगा। अब उसके बाद राउटर OSPF स्पेस करके क्वेश्चन मार्क करता हूँ, तो देखिए ये कुछ प्रोसेस आईडी के बारे में बोल रहा है। तो ये वही है प्रोसेस आईडी है जिसके बारे में हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसकी लिमिट 1 से लेकर 65,535 तक है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ज़रूरी नहीं कि ये हर राउटर पे आप सेम रखें, आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसका कोई भी दखल नहीं होगा, कुछ भी इसका मसला नहीं आएगा। आप अपनी मर्ज़ी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए एक ही रखें तो बेहतर है। तो एंटर करता हूँ। तो अब नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए नेटवर्क 10.0.0.0 और पिछले सिनेरियो रिप में हमने नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए यही कमांड यूज़ की थी। बस हम अब इसके सबनेट मास्टर या जो डिफ़ॉल्ट हमने दिया था उसकी जगह पे हम उसको रिवर्स करके इसको अब वाइल्ड कार्ड मास्क देना पड़ेगा, जो कि रिवर्स करके बनता है 0.255.255.255। स्पेस करता हूँ और क्वेश्चन मार्क करता हूँ। तो देखिए ये एरिया के बारे में बोल रहा है, सेट द OSPF एरिया आईडी। हमें एरिया आईडी देना पड़ेगी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इस सिनेरियो में हम साथ में सिंगल एरिया ही कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि हमने सेलेक्ट किया था 0। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मल्टी एरिया कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, कमांड पूरी हो गई है। इसी तरह दूसरा नेटवर्क को एडवर्टाइज करता हूँ, 192.168.1.0 स्पेस करता हूँ और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क रिवर्स हो के आ जाएगा 0.0.0.255 और एरिया 0। एंटर करता हूँ, हमारी कमांड कंफर्म हो गई। एग्जिट करता हूँ, फिर से एग्जिट, राउटर 1 पे चलते हैं। सेम यही कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगी, शो आईपी आउट करता हूँ। तो देखिए इसमें 3 डायरेक्टरी नेटवर्क्स हैं। चलिए इनको एडवर्टाइज़ कराते हैं OSPF के लिए। राउटर OSPF में जाने के लिए हम सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे। यहाँ से राउटर्स OSPF, पिछले सिनेरियो में हमने 10 किया था, यहाँ पे हम 100 कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एंटर करता हूँ, हम कॉन्फ़िगर राउटर में आ गए। यहाँ से नेटवर्क को एडवर्टाइज़ करवाते हैं, नेटवर्क 10.0.0.0 स्पेस करता हूँ, वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा इसका 0.255.255.255 और एरिया हमने सिंगल यूज़ किया है जो कि है 0। एंटर करता हूँ तो लीजिए वो कंप्लीट हो गई हमारी। तो इसी तरह दूसरा नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए हम यहाँ पे जस्ट 20 कर देंगे, वाइल्ड कार्ड मास्क वही रहेगा, एरिया भी वही रहेगा। एंटर करता हूँ और तीसरे नेटवर्क के लिए नेटवर्क 192.168.2.0 और स्पेस करके इसका वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा 0.0.0.255 और एरिया 0। एंटर करता हूँ, हमारी कमांड कंप्लीट हो गई है। एग्जिट करते हैं और अपने तीसरे राउटर पर चलते हैं। आपने एक बात को नोट किया कि यहाँ पे कितना आसान है, हम राउटर पे क्लिक करते हैं और डायरेक्टली CLI मोड में चल जाते हैं। तो रियल इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल इन्वायरमेंट में आपको इसको कंसोल केबल के जरिए हाइपर टर्मिनल को यूज़ करते हो इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से डबल क्लिक करें और CLI मोड में आ जाएं। ये फैसिलिटी सिर्फ पैकेट ट्रेसर में ही है। तो रियल इन्वायरमेंट में आपको कंसोल केबल के जरिए या उसके साथ आपको PC या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम तीसरे राउटर पे चलते हैं। अनेबल मोड में जाने के लिए अनेबल, शो IP राउट करते हैं। यहाँ पे 2 नेटवर्क्स हैं, चलिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ गए।
यहाँ पे राउटर ओएस पीएफ, और यहाँ पे हम 500 दे देते हैं। नेटवर्क 20.0.0.0 स्पेस करता हूँ, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 और एरिया 0, एंटर करता हूँ। इसी तरह दूसरे नेटवर्क के लिए, नेटवर्क 192.168.3.0 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 स्पेस करता हूँ, एरिया 0 करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। एग्ज़िट करता हूँ, फिर से एग्ज़िट, यहाँ से कमांड रन करते हैं, शो आईपी राउट, एंटर करता हूँ। तो देखिए पहले इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड थे दो नेटवर्क्स, वो ये वाले हैं 20.0.0.0 और एक ये वाला है सी वाला 192.168.3.0। अब हमने इसमें जब ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर किया, उसके ज़रिए हमने नेटवर्क को एडवर्टाइज करवाया, तो इसमें तीन और नेटवर्क ऐड हो गए हैं। ये है 10.0.0.0 वाला, एक 192.168.1 वाला और 2 वाला। और मीन्स ये देखिए, और मीन्स ओएसपीएफ और सी मीन कनेक्टेड, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो चलिए हम इनको पिंग करके देखते हैं। पीसी पे चलता हूँ, डेस्कटॉप कमांड बार में चलते हैं, आईपी कॉन्फ़िग करते हैं इसके खुद की आईपी कंफर्म करने के लिए। तो आप पिंग करता हूँ 192.168.3.3 जो कि है तीसरे राउटर के साथ कनेक्टेड एक नेटवर्क है, एंटर करता हूँ। तो अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही हुई है तो इसको पिंग करना चाहिए, और ये पिंगिंग कर रहा है। पहला डेफिनेटली रिक्वेस्ट लिंक्ड राउट आएगा, उसके बाद देखिए हमारा सिस्टम सही से पिंग कर रहा है। तो इसका मतलब कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही हो गई है, हमने सही से ओएसपीएफ यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट को सही से कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको थ्योरी में जैसे हमें एरिया था, प्रोसेस आईडी थी, वाइल्ड कार्ड था, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक नई से क्रिएट करूँगा वीडियो और अपडेट कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। Video tutorial with voice included.